अमरीका अपना हेलीकॉप्टर छोड़ के गया ना पिछले साल तो लेके उड़ गया और पे, रेडियो में पे पूछ रहा है उतरेगा कैसे है अरे अबा आप तेर हो गई लो <laughs> <laughs> मेरी ओर ध्यान से देखिए आप सब लोग ये देखिए ये ईरान का शहर आबादान इराक का शहर अल बसरा और ये कंप्लीट कुवैत ये पूरा एरिया ससुरा पेट्रोल से भरा है कुवैत हम आपको बताए थे इतनी गहराई पे कि पेट्रोल निकालने चालू करेगा ना तो ईरान का और इराक का दोनों डगर किचल आएगा डगर के ना चलने मतलब एक समझिए गड्ढा रहेगा तो फ्लो वहीं हो जाएगा निकालिएगा तो फ्लो आ जाएगा यहाँ पर तो बताइए ईरान का सबसे बड़ा तेल छिंद आबादान इराक का सबसे बड़ा अल बसरा अल बसरा किसके कंट्रोल में अमेरिका जितना निकालेगा उसका फिफ्टी परसेंट अब कितना निकाल रहा है किसी को पता है और अमेरिका से जाके आप पूछ लीजिएगा मत पूछो, बहुत बड़का खचरा आदमी है उसका एक ही इलाज है भारत हा? सब मिलके सब मिल के उसको बोले पहले वो सिया सुनी लड़ा के रखा है में देखिए हम हमेशा धार्मिक मामलों में हम ज्यादा कुछ बोल नहीं बताना चाहते हैं ना ही बोलना लेकिन जब धार धर्म का नेतृत्व पढ़े लिखे के पास होगा ना तो आपकी बातों को सुनेगा और धर्म का नेतृत्व अनपढ़ के हाथ में रहेगा सुनबे नहीं करेगा चिल्लाते रहिए सुनबे नहीं करेगा समझ में आ गया कि नहीं आ गया अच्छा तो ये है सबके लिए बट नेतृत्व किसके पास होना चाहिए पढ़े लिखे अमेरिका यही हाल किया यहाँ पे नेतृत्व दे दिया अनपढ़ों के हाथ में पूरा का पूरा नेतृत्व क्या कर दिया जबकि ईसाइयों को देखिएगा ईसाई के फादर पोप फ्रांसिस अर्जेंटीना के हैं केमिकल इंजीनियरिंग से बीचे किए हुए हैं भाई केमिकल इंजीनियरिंग बहुत टॉप होता है टॉप हो या ना हो आप इंजीनियरिंग किए हैं तो आपने समाज को देख रखा है माइंड मेंटेलिटी बढ़ा है हजार किस्म के लोगों से मिले होंगे अब आप गुएं में रह जाएंगे तो कितने लोगों से मिलेंगे नहीं एक गांव के आदमी को आप 10 दिन तक एयरपोर्ट घुमा दीजिए कुछ मत कीजिए मुंबई एयरपोर्ट से बैठा के दिल्ली दिल्ली से जयपुर जयपुर से कोलकत्ता या दस दिन घूमने के बाद ना उसको एयरपोर्ट पर एक कॉन्फिडेंस अलग ही आ जाएगा उसको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है तो इधर जितना ज़्यादा आप ट्रांजिट करिएगा एक जगह से दूसरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस एजुकेशन सब आ जाता है जरूरी नहीं कि किताबी नॉलेज हो कहाँ कैसे बिहेव करना है कहाँ चुप रहना है कहाँ क्या नहीं बोलना तो ये लोग क्या करते हैं ना अपना धर्म मानते सब है बट नेतृत्व किसको देंगे पढ़े लिखे को देंगे आज भी देखिएगा इंडिया का एजुकेशन ज़्यादातर ईसाई कॉलेज के पास है आप अपने यहाँ भी देखिएगा सेंट सेंट पॉल सेंट जोसेफ सेंट ये सेंट वो बहुत जितना देखेंगे सब पूरा सी बी एस ई वही लोग हैं ये एजुकेशन पे। ये एरिया ही तरह किसका है पेट्रोलियम का है ये भी अब पूरा कुवैत तो पेट्रोलियम है ये याद रहेगा ना चार बार डेवलप कर रहा है बाहर किसी को दिक्कत चाबार कौन डेवलप कर रहा है भारत डेवलप कर रहा है और यहाँ से भारत जाहेदान तक आगे ऊपर एक शहर मिलेगा जाहेदान वहाँ तक भारत क्या बिछा रहा है रेलवे लाइन क्या बिछा रहा है रेलवे और ये रेलवे लाइन आगे जाके काबुल तक जाएगी कहाँ तक जाएगी कहाँ तक अफगानिस्तान के काबुल तक अब समझ में आया हम लोग किसको घेर रहे हैं दिख रहा है किसको घेर रहे हैं पाकिस्तान का लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान आ गया वो कहा कि हम लोग को रेलवे लाइन से क्या मतलब है ये रेलगाड़ी छुक 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 हम क्या करेंगे कहन सी प्लान है? अब जाए भारत रुक गया अब ईरान कर रहा है हमारा जहदान तक बना दो तो भारत कह रहा है कि भाई हमको वहाँ बना के क्या करेंगे किसको? तालिबान वालों को इतना दिमाग रहता तो मुर्गा लड़ाता सब अमेरिका अपना हेलीकॉप्टर छोड़ के गया ना पिछले साल तो लेके उड़ गया रेडियो में पूछ रहा उतरेगा कैसे नहीं है <laughs> आधा घंटा बाद उतारियो दिया <laughs> उस कोई को मतलब नहीं है <laughs> मतलब उस पर लेके उड़ा दिया <laughs> मजाक मजाक में उड़ा दिया उड़ाने के बाद आधा घंटा बाद उतारा था उसको अब पूरा गोल गोल चक्कर मार रहा <laughs> कैसे उतर तू रे अरे बाप अब तेर हो गई उतार लिया वो <laughs> भाई एक से एक रहता है सब मी के कई जहाज़ उड़ा मीघ जहाज़ जो था ना उड़ा दिया था सब तो वो सब पगला है सर सब को कोई मतलब मतलब नहीं है भाई। उन लोग के लिए ज़िंदगी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है बस गोली चलाते रहना है वहाँ फैशन है ये लड़ना वहाँ पे क्या है फैशन हमारे यहाँ जैसे बिहार में गमछा एक कॉमन चीज़ है वहाँ ए के कॉमन चीज है समझ आ गया कि नहीं आ गया को एक जैसे सिख धर्म के लोग देखते हैं पगड़ी बांध एक तरह का उनका कल्चर है अफगानिस्तान में सोच रहा हूँ एक फोर्टी सेवन ले घूमता है मतलब ये सब कल्चर की चीज़ है साउथ में लुंगी पहनना एक कल्चर वहाँ आप एक एके फोर्टी सेवन लेके मार रहा है वहाँ पर कहा लड़िएगा वहाँ से अमरीका बीस साल तक में चल गया और पूरा हथियार उथियार अमरीका का कब्जा कर लिया सर सा। सार कब्जा कर लिया सर ड्रेस तक अमेरिका वालों को नहीं ले जाने दिया का यहीं छोड़ के जाओ तो अब अब वहां की जो फौज है कहां का ड्रेस पहनती है अमरीका का यहां लिखा यूएस आर्मी उसको फाड़ दिए वहाँ वहां अपना चिपका दिया तालिबान <laughs> आगे बढ़े ये जगह कौन सा हो गया चाबहार कौन सा है चाबहार किसी को दिक्कत ऊपर में कौन सा है जाहिदान कौन सा है या एक और बंदर का मिलेगा बंदर से बंदर अब्बास मिला बंदर अब्बास बंदरगाह होता है ना पानी वाली जहाज को तो जहां लगती है उसे बंदरगाह ही कहा जाता है। तो बंदर अब्बास मत समझिएगा बंदरगाह मतलब जहाँ पानी वाली जहाज लगता है बंदर अब्बास कहाँ है ईरान बंदर अब्बास चाबहार, चाबहार में जो बंदर चाबहार तो शहर का नाम है और बंदरगाह का जो टर्मिनल है उसका नाम है शहीद बहिश्ती पोर्ट क्या नाम है शहीद जैसे पटना एयरपोर्ट का नाम जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट का नाम इंदिरा गांधी समझ आएंगे कि नहीं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल छत्रपति शिवाजी वो हो गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट छत्र समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ के बंदरगाह चाबहार के बंदरगाह के टर्मिनल का नाम क्या शहीद बहिश्ती क्या नाम है क्वेश्चन पूछा हुआ है शहीद बहिश्ती पोर्ट कहाँ है ईरान में अब वही चाबहार पूछा रहता सब बता देता